हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप दिल्ली से नैनीताल चाहते हो, जो कि आप लाइफ में कभी ना कभी जरूर जाओगे, तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो इसी धासु से एनिमेशन के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, जिसका कारण यह था कि मैं थोड़ा जॉब के चक्कर में बिजी हो गया था, पर कोई बात नहीं, स्वागत है आपका फेवरेट समर में अगेन। तो सबसे पहले आपको दिल्ली टू काठगोदाम की टिकट निकाल लेनी है, ट्रेन टिकट जो कि ज़्यादा महंगी नहीं, आपको 200 से 250 की पड़ेगी स्लीपर जनरल में अगर आप जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वीडियो में एक्चुअल में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। थोड़ा वॉइस ओवर का मेरा इशू है, तो एडजस्ट कर लेना, आई एम सॉरी। तो नैनीताल में आप जब भी जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे नज़ारे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं ही, बट वहाँ के प्राइजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ताकि आप होटल की बात कर लो, चाहे बोट राइड की बात कर लो, चाहे आप टैक्सी या फिर जितने भी आप शॉपिंग वगैरह वहाँ पे जो भी हो, जितने भी आप मतलब एक्सपेंसेस हैं एंड ऑल, वहाँ पे प्राइजेस बहुत महंगे महंगे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आज वहाँ पे जब भी आप जाते हो, तो आपको कैसे कैसे वहाँ पे एक्सपीरियंस पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप काठगोदाम उतरे ट्रेन से, फिर आपको स्टेशन से बाहर निकल के टैक्सी लेनी है, जैसे कि मैंने अभी टैक्सी ले रखी है, जिसका एक्सपेंस ज़्यादा नहीं 100 से 150 पर बंदा होगा। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं कैंचीधाम मंदिर, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल जगह है। मतलब जो भी इसके बारे में जानते होंगे, इन्हें पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में कैंचीधाम बहुत ही भक्ति रूप में मानने वाली जगह है। मैं भी काफ़ी उस जगह को काफ़ी मानता हूँ। जब भी मैं नैनीताल जाता हूँ, एक बार कैंचीधाम होता है वो जरूर जाता हूँ। नीम करोली बाबा का नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, नीम करोली बाबा जिनका आश्रम है ये कैंचीधाम, इसके बारे में लोग काफ़ी मान्यता रखते हैं एंड जरूर वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, उनकी इच्छा ही पूरी होती है। एप्पल के ओनर एंड फेसबुक ओनर भी वहाँ पर आया था। आप देख सकते हैं कि हम कैंचीधाम मंदिर पहुँच चुके हैं, तो इस समय यहाँ पर भीड़ भी है, बट कोई बात नहीं, इतनी भीड़ नहीं है। एक्चुअल में हमारी किस्मत अच्छी है, मैं उसको अपनी किस्मत अच्छी ही मानूँ, कि मैंने जब भी सुना है ना, यहाँ पर हमेशा बहुत भीड़ होती है, आपको दर्शन करने में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतनी भीड़ नहीं मिली। और अभी जस्ट मैंने पिछले महीने अपना नया फ़ोन ख़रीदा, iPhone 15। तो धासु धासु से मैं ऐसे शॉर्ट्स तो लेता रहूँगा ही, ताकि आपको मैं दिखा भी सकूँ यहाँ के नज़ारे अच्छे से। एक्चुअल मेरा फ़ोन लेने का रीज़न यही था कि मैं जब भी ट्रैवल करने जाऊँ, तो मैं जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, मैंने क्या अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं, और चैनल के थ्रू अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको मैं यूट्यूब फैमिली मानता हूं, उनको भी दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं मंदिर के यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, फ़ोन अलाउड नहीं था, बट कोई बात नहीं, दर्शन करने के बाद जब मैं मंदिर से बाहर आया, तो मैं यहाँ के नज़ारे कैप्चर कर रहा था, चाहे वो पहाड़ी हो गई, चाहे वो मंदिर हो गया। मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब जैसे कोई एकदम सीनरी होती है ना मूवी टाइप, बिल्कुल वैसे ही। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मैं सिनेमैटिक शॉट ले सकूं इसके, और शायद लिए भी मैंने। आप देख सकते हैं कि बाहर तक लाइन लगी हुई है, मतलब यहाँ पे ऐसी शांति होती है ना कि आप चाहे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं शब्दों में। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको तभी फील होगा। यहाँ के एंट्री, जैसे ही आप एंट्री करोगे यहाँ इस गेट से मंदिर तक आओगे, आपके धीरे धीरे वो शांति, एकदम मन की जो शांति है बदल जाएगी। ये मंदिर की फेमस है तो आप सब जानते ही हैं, कैंचीधाम बाबा एक नीम करोली बाबा है हमारे, जो हनुमान जी के बहुत भक्त थे। एक्चुअल में ये मंदिर उनके लिए माना जाता है, और इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है उत्तराखंड में। तो थोड़ा सा मैं पॉज ले लेता हूँ ताकि आप यहाँ का माहौल महसूस कर सके। ये रोड से व्यू है, और ये रहा मैं बैग टांगा हुआ। आई नो मेरी उम्र थोड़ी कम है, बट कोई बात नहीं। यहाँ से जो मंदिर का व्यू है, सच में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इतनी सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं आसपास, बट फिर भी वो इसकी सुंदरता को मतलब ख़राब नहीं कर पा रही हैं। ये बहुत ही डिफरेंट बात है। तो नीम करोली बाबा का नाम लेते हुए, जय हनुमान जी की, हम चलते हैं नैनीताल की ओर। नीम करोली बाबा मंदिर से मतलब कैंचीधाम से नैनीताल के लिए आपको टैक्सी मिल जाती है, जिसका प्राइस ज़्यादा नहीं, 100 से 200 के अंदर आपको रहता है। तो नैनीताल में एंट्री करते सबसे आपको पहले जो दिखता है व्यू, वो दिखता ही है नैनीताल लेक का, जिस जो फेमस है मतलब नैनीताल झील में। ये एक्चुअल में जो ये क्लीन व्यू है ना, ये फर्स्ट डे ही दिखा था मुझे, उसके बाद थोड़ा सा फॉगी व्यू हो गया था। सो नैनीताल में एंट्री करते सबसे पहले मैं अपना होटल बुक करता हूँ, जो कि 1000 पर पर्सन के हिसाब से मुझे पड़ता है। एक्चुअल में ये रेट और भी ऊपर जा रहा था, जितना आप नैनीताल लेक के पास में रूम लेते हैं, आपको उतना ही प्राइस ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि 1800, 1600, 2000, 2
25,000 पर डे के हिसाब से। तो बट मुझे थोड़ा सा नैनीताल लेक से थोड़ा दूर जाकर रूम लेना पड़ा, ताकि मैं आपको मतलब बता भी सकूँ कि आप थोड़ा दूर जाकर रूम ले सकते हैं। तो आपको 1,000 के अंदर 800 भी मिल सकता है, 800 मतलब 800 पर डे के हिसाब से ही मिल सकता है रूम। तो रूम बुक करने के बाद, वहाँ पे सारा सामान रखने के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा लेक घूमने के लिए। देखा, मैंने आपको बताया था ना, जो क्लियर व्यू था वो तभी दिख रहा था मुझे, तब के व्यू में और अब के व्यू में कितना डिफरेंस आ चुका है, कितना क्लाउडी हो चुका है आपका व्यू। बट इसकी सुंदरता भी बिल्कुल कम नहीं हुई है। इसका चाहे किसी भी मौसम में आप देख लो, चाहे धूप के मौसम में देख लो, चाहे आप छाँव के मौसम में देख लो, चाहे आप बारिश के मौसम में देख लो, चाहे आप सर्दी के मौसम में देख लो, मतलब यहाँ की सुंदरता हर हर मौसम में आपको हम यहाँ की सुंदरता बहुत ही सुंदर। तो नैनीताल में एंट्री मारते सबसे पहले बंदे के माइंड में अगर कोई ख्याल आता है तो वो आता है बोट राइडिंग का, जैसे कि मेरे मन में भी सेम टू सेम आया। तो यहाँ पर दो टाइप की बोट राइडिंग होती है, एक पैडल वाली और ये चप्पू वाली। चप्पू वाली का प्राइस आपको 250 और 450 के अराउंड मिल जाता है, जो कि दूरी के हिसाब से होता है। 250 वाला थोड़ा कम दूरी का होता है, 450 वाला थोड़ा ज़्यादा दूरी का होता है। तो बोट राइडिंग करने के बाद मैं थोड़ा नज़ारे देखने के यहाँ पर निकल जाता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे फोटोज़ मतलब इतनी अच्छी अच्छी आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ, मन ही नहीं भर रहा था। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखेंगे तो आपको आपको इसकी काफ़ी एडिटेड वीडियो भी दिख जाएंगी, जो कि मैंने अपलोड करी थी एज रील। आप देख सकते हैं कितना मतलब हरियाली टाइप दिख रहा है यहाँ पे नज़ारे। और मतलब जैसे ही मुझे ऐसे नज़ारे दिखते हैं ना, जेब से ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन निकल जाता है और मैं उसको कैप्चर करने लग जाता हूँ। जो यहाँ के लोग हैं उनको तो मतलब थोड़ा सा ये वो नॉर्मली रहते हैं, क्योंकि उनको तो ये रोज़ का काम है ऐसे नज़ारों में बीच रहना, नज़ारों के बीच रहना, खाना पीना। लेकिन हम जो दिल्ली वाले बंदे हैं, ऐसे नज़ारों में जाने के बाद तो खो जाते हैं एकदम। और ऐसा बार बार मौका नहीं आता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी देखिए, ये जो नीचे का व्यू है पूरा, ये वहीं वहीं का व्यू है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ पे पहले कैंची धाम पड़ा था, फिर उसके नीचे रेलवे स्टेशन था। तो ऊपर आते आते मतलब इतना ऊपर आ जाता है कि फिर व्यू कुछ ऐसा नज़र आने लगता है। और मतलब इतना डेवलप हो चुका है ना, ये आप देख सकते हैं, मतलब बिल्डिंगों के ऊपर बंदों ने पार्किंग बना रखी है काफ़ी, मतलब इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के साथ साथ यहाँ पे मतलब डेवलप में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फोटोज और वीडियो स्टार्ट करने के बाद हमारा बारी आती है पैडल वाली बोटिंग करने की। तो नेक्स्ट डे हम पैडल वाली बोटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, इसका प्राइस अराउंड 200-300 के समथिंग था। और अगर आपको साइकिल चलानी आती है, मैं तो सजेस्ट करूँगा तभी आप इसको करने के लिए जाएं, क्योंकि मेरे को साइकिल चलाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने जब मैं छोटा था स्कूल टाइम ही मैंने साइकिल चलाई थी, उसके बाद मैंने साइकिल छोड़ दी। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब, पैडल मारते मारते मेरे को अपना पूरा बचपन याद आ गया, गुर्दलाल हो गए थे मेरे। बट जो यहाँ के नज़ारे थे वो मतलब माइंड डाइवर्ट ऐसा कर रहे थे कि मैं पैडल मारता मारता मैंने पूरा लेक घूम लिया, पूरा लेक का चक्कर लगा लिया। बट मज़ा काफ़ी आया था। उसके बाद मेरे को अपनी मम्मी के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं मम्मी से वीडियो कॉल करके पूछ रहा था कि मम्मी मैं ये लूँ आपके लिए या फिर मैं ये लूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है मुझे लेडीज़ का सामान खरीदने में, बट कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने बताया कि उन्हें क्या पसंद है। तो आप जब भी जाएँ ऐसी जगह पर तो आप रिलेटिव के लिए ज़रूर अपना कुछ ना कुछ सामान खरीद के ले जाए, जो कि एक्चुअल में वहाँ की मेमोरी भी बन जाती है। और हाँ, एक तरह से ये भी रहता है कि हाँ, अपने साथ साथ आपको अपने बड़ों का भी ध्यान है। तो ये रात का व्यू है। रात का व्यू करने के बाद हमको नेक्स्ट डे लौटना था वापस। तो ये वापस लौटते समय मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ, मतलब जब वहाँ पे घूमने जाते हो तो वो तो व्यू बेस्ट मिलता ही आपको है। जब वहाँ पे ऊपर चढ़ते हो आप और ऊपर से नीचे उतरते हो, तब तो व्यू और भी अपर लेवल का हो जाता है। आप देखेंगे मतलब चाहे वो बादल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे वो ये बैरियर वगैरह, मतलब कुछ भी कह लो आप, व्यू कभी ख़त्म नहीं होता ये। और ये एज ए रिकॉर्डिंग फ़ोन में ज़रूर रखना चाहिए, ताकि मतलब वो याद रहे। और जब इतनी वीडियो हाई क्वालिटी की बनती है ना, तो भाई साहब मन खुश हो जाता है। और मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, दिल्ली में मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करता हूँ, दिल्ली में मैं चाहे पहाड़ी इलाकों में चला जाऊँगा ना, तभी मैं ये टेस्ट नहीं आ पाता है वीडियो रिकॉर्डिंग का। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। आई होप आपको भी नज़ारे बहुत अच्छे लगे होंगे। एक्चुअल में ये मेरी बहुत टाइम बाद वीडियो मैंने अपलोड करी है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक्चुअल में एक अच्छे से ट्रैवल व्लॉगिंग टाइप वीडियो बनाकर मैं मोटिवेट होऊंगा काफ़ी, अगर आप मुझे ऐसे सपोर्ट करेंगे। जितना भी आपने सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ आगे भी लोग ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें।
बाकी आप नज़ारे तो देख ही रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। मतलब मैं थोड़ा बजट का इशू पड़ता है मुझे, साथ में अपना जॉब भी मेंटेन करना पड़ता है और थोड़ा सा डेली लाइफ का रूटीन भी है, तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बाकी मैं थोड़ा सा, मेरे को सपोर्ट मिलने लगेगा, मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूंगा अपना चेहरा दिखाकर। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।